3, 2, 1। कन्नू राधे राधे, गुड मॉर्निंग। मेरा कन्नू नहा चुका है, शंकर भगवान भी नहा चुके हैं, माता भी नहा चुकी हैं, सभी अपना स्नान ग्रहण करे हुए हैं और सभी के भक्त आ रहे हैं। और सभी भगवान का यही कहना है सभी भक्तों के लिए, स्वस्थ रहो मस्त रहो, आज का दिन आपका मंगलमय शुभ हो, यही आशीर्वाद है। कन्नू राधे राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। कन्नू ये लुक है, ये लुक है कन्नू मेरे, है कन्नू कन्नू राधे राधे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोल, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम काली माता का ये लुक है, है काली माता, ये माता बैठी है, ये माता बैठी है, ये ऐसी मेरी माता बैठी है, ये देखो छोटी माता बैठी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, रजनी पैलेस के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि आज का दिन आपका शुभ हो, मंगल हो। मिलते हैं थोड़ी। हेलो गाइस, देखो मौसम कितना ख़राब हो चुका है और पानी आने की संभावना है, तो अब हम चलते हैं अपने घर के लिए, प्रस्थान करते हैं। बारिश हो गई तो फिर हम लटके रह जाएंगे यहीं, फूल तो लगे पड़े हैं, फूल ले लूं। चल मरने दे, चल तू अभी, चुदो 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 चुदो, अपना काम तो होता नहीं है, रो के दिखाते हैं, ऐसे तो हम भी जानते रो ना। हाँ ओहो भैया, फौज, ये कौन सी फौज आ गई है, ये देखो कौन सी फौज बैठी है, इन्हीं की कमता ही रह गई थी। ओ भैया ये तो सुमन मूड पाई है, ये देखो। अरे तेरी गाड़ी उधर है, खुजली होती है इनको, ये देखो कितनी फौज है, बटालियन है, बटालियन कैसे मोटे मोटे हैं भैया, पता नहीं कहाँ से आए बैठे, देखो हष्ट पुष्ट है, दवाइयाँ खाते हैं इसलिए, देखो कहाँ खा रहा है पता नहीं, देखो कहाँ चले जा रहे हैं अंदर की तरफ, पूरी पूरा घेर रखा है उन्होंने पूरा, ये देखो मेडिसिन खा खा के वो पड़ गए हैं मोटे, ये उमर गए उमर गए, कैसी प्लाटून आ रही है, कैसी प्लाटून है, अरे मर गए, देखो निकलने भी नहीं देगी प्लाटून, प्लाटून ही प्लाटून है यहाँ तो, ये देखो प्लाटून की वो है। चलो अपनी गाड़ी आ चुकी है और अपन चलते हैं, पीले फूल है, दूर है इसलिए टूट भी नहीं पाएंगे। गाइस देखो ये मैं घी बनाया है, ये तो आधा घी है, यानी कि अब इसको गर्म कर रही हूँ और इतना ही घी, क्योंकि एक इस भगोने में इतना ही घी आता, तो इसीलिए मैंने ये वाला घी अभी करा, कल दूसरे वाले को करूँगी, बहुत दिन से पड़ा हुआ है, क्या करूँ होता नहीं है, लेकिन करना तो पड़ेगा, सारा घर का काम हो जाता है, हाथ में भी दर्द होने लगता है, क्या करें मजबूरी है। कुछ लोग समझते हैं कि इधर तो ठाले बैठे हैं और कोई है ही नहीं है, ऐसे गनगनाते हैं कुछ कहने कहते नहीं, किसी दूसरे की परेशानी नहीं समझते, अपना गाना गाने लगते हैं, हम जो करते हैं वो ठीक है और दूसरा साला कर रहा है वो बेवकूफ़ है, इसलिए मैं ये मलाई बना रही हूँ। आज पेड़ों में पानी देने नहीं गई, क्योंकि आज मैं बिल्कुल लेटी भी नहीं हूँ, मेरी तबीयत भी ख़राब होने लगती, पता नहीं क्या हो गया मुझे एकदम, घी बन जाए हो गया तो रात में बनाऊँगी, बना के फेंट के रख लूँगी, फिर गर्म कल कर लूँगी, घी बना के पूजा भी करनी है मैंने।
घी बनता है तब बताती हूँ। ये बर्तन रखे हैं, मन्नू ने मैगी मंगाई थी। देखो मैंने शाम की दिया बत्ती जोड़ ली है। कन्नू राधे राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। मैं शाम की दिया बत्ती जोड़ चुकी हूँ और मेरे कन्नू बैठे हुए हैं। ये मैंने घी बना लिया है, इस डिब्बे को मैंने इसलिए कर दिया, थोड़ा बहुत है निचुड़ जाएगा तो पूजा के डिब्बे में डाल दूँगी और ताजी घी इसमें भर दूँगी इस डिब्बे में। ये रहा, फिर कल फिर बनाऊँगी। हेलो भाई, देखो घर पर जा रही हूँ मैं, बैठ के भी आऊँगी जाने के बाद दूध का टिफिन देने के बाद आती हूँ घर पर। गाय देखो लाइट है नहीं और कल्लू भगा चला जा रहा है, पता नहीं क्या करने के लिए, कुत्तों से खड़ने के लिए चला जा रहा है दौड़ लगा के। और लाइट तो है ही नहीं इस कलोनी की, लाइट का पता नहीं क्या कर रखा है, धीरा मचा पड़ा है, देख रहे होंगे आप। पता जा रहा है तो चला ही नहीं आता, थकान सी होने लग गई दो तीन दिन से, चला ही नहीं आता, थोड़ा सा चली है थकान सी, पता नहीं अजीब टाइप की। घर पहुँचने के बाद वह देखो मैं जा रही हूँ घर पर, घर के लिए निकल ली हूँ मैं, पहुँच जाती हूँ मिलती हूँ आपको घर पहुँचने के बाद। हेलो भाई, देखो मैं आ चुकी हूँ घर से और अब मैं करती हूँ घी को यानी कि भर के रख दूँ क्योंकि भगोना खाली करना सुबह के लिए, पानी वानी देती हूँ उसमें, तो मिलती हूँ अभी थोड़ी देर बाद। आज मैं काम करके आ चुकी हूँ और घी भरना था, घी ठंडा हो गया तो डिब्बे में घी भर दिया क्योंकि भगोना खाली करना था, सुबह ज़रूरत थी इसकी, सुबह हो नहीं पाता, सुबह तो एक एक मिनट भारी पड़ जाती है मेरे को बहुत, यानी कि 4 बजे से उठती तो अभी नहीं, कभी कभी तो चाय भी नहीं पी पाती हूँ, ऐसे ही जाना पड़ता है चाय छोड़ के ऐसे ही, क्योंकि वो भी गर्म होती है। तो इसलिए अगर वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, राधे राधे।